नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, बोर्ड परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो कि आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। और साथियों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि आप लोगों के प्रश्न पैटर्न में बदलाव का जो है फाइनल डिसीजन आ गया है और आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र कब जारी होगा। इस वीडियो को अंत तक में पूरा हम आप लोगों को डिटेल से बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने जो है आज के प्रभात खबर को ऑन करके रखा हूँ, जिसमें बताया जा रहा है कि अब 2021 की बोर्ड की परीक्षा में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 30% होंगे। यानी कि बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में जो है, यानी कि 2021 के बोर्ड की परीक्षा में जो है, एक अंक वाले जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30% पूछे जाएंगे। पहले क्या होता था कि 20% जो है सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है यानी आगामी बोर्ड की परीक्षा 2021 में जो है आप लोगों का जो है प्रश्न पत्र के अनुसार जो है आप लोगों को 30% जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पूरी डिटेल से। तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को ध्यान पूर्वक पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए बच्चों, मैंने जो है आज के प्रभात खबर को ऑन करके रखा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 में बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र पैटर्न में बदलाव का प्रारूप जो है फाइनल, यानी कि आज जो है फाइनल डिसीजन ले लिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में इस बार 30% प्रश्न होंगे एक नंबर वाले, यानी कि एक अंक वाले जो है आप लोगों का 30% जो है प्रश्न आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाएगा, खास करके मैट्रिक और इंटर की बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आगे क्या क्या बताया जा रहा है। तो बच्चों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष 2021 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न पत्र के पैटर्न के बदलने की तैयारी की जा रही है। विभाग के प्रस्ताव के अनुरूप जो है मैट्रिक और इंटर के बोर्ड की परीक्षा में वैकल्पिक रिक्त स्थान भरे अति लघु उत्तरी प्रश्न की संख्या बढ़ाई जाएगी। बच्चों, मैंने आपको पिछले अपडेट में भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन सभी का जो है बढ़ोतरी की गई है, वैकल्पिक प्रश्नों की जो है संख्या है वो बढ़ाई गई है, सब्जेक्टिव सवालों की संख्या जो है बढ़ाई गई है। जहाँ पर 20% ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते थे, वहाँ पर जो है 30% जो है सवाल अब आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि विभिन्न विषयों में जो है 20 से 30% तक प्रश्न एक अंक वाले होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव सवाल जो है 30% तक जो है अपनों का पूछा जाएगा। एक अंक वाले प्रश्न में अधिकतर बहुकल्पिक होंगे, जबकि कुछ प्रश्न जो है रिक्त स्थान वाले रहेंगे, जैसे कि आप लोगों का मैथ में आता है रिक्त स्थान वाला, ठीक है। जैसे कहता है कि एक वर्ग जो है डैश होते हैं तो वहाँ पे समरूप होते हैं, समरूप होगा तो आपको भरना है, उस टाइप के जो सवाल हैं आप लोगों को जो है 20% यानी 30% तक के सवाल में ही पूछे जाएंगे। और कुछ प्रश्न जो है परीक्षार्थियों को एक वाक्य में देने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। प्रश्न पत्र पैटर्न के बदलाव में जो है लेकर इसको लेकर जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव जो हैं राहुल शर्मा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह और जैक सचिव महिप कुमार सिंह की बैठक हुई है। बैठक में प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव पर सहमति बनी है और कोविड 19 को देखते हुए प्रश्न पत्र को और अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने का निर्णय लिया गया है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र कब तक जारी कर दिया जाएगा, क्या अपडेट है, सारी डिटेल्स आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बच्चों, मैट्रिक व इंटर की बोर्ड की परीक्षा 2021 के लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र के पैटर्न के अनुरूप जो है जैक जो है दिसंबर के अंत तक जो है मॉडल प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें कि मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करने में थोड़ी सी डिले हो रही है, क्योंकि बच्चों मेरा भी हालत जो है आप समझ सकते हैं कि रोज जो है कम से कम 2 या 3 सेट जो है प्रश्न पत्र पैटर्न बनाना पड़ रहा है, काफी दिक्कतें हो रही है, बहुत जो ज्यादा जो है वर्क करना पड़ रहा है, तो आप लोगों का जो मॉडल प्रश्न पत्र जो है थोड़ा सा डिले होगी, ठीक है। तो बच्चों, आप मैनेज कर लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें कि आप लोगों का जो भी मॉडल प्रश्न पत्र रहेगा वो नए जो सिलेबस जारी हुए, नए जो रिड्यूस किया गया सिलेबस है उनके अनुसार आप लोगों का होगा, और जैक की वेबसाइट और शिक्षा विभाग के द्वारा जो है आप लोगों का ऐप जो प्रोवाइड किया गया है उन पर जो है मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, और आप लोगों की वेबसाइट पर भी जो है आप लोगों का मॉडल प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। बच्चों, मॉडल प्रश्न पत्र को जो है आप अच्छी तरह से रिविजन कर लीजिएगा, क्योंकि उससे जो है काफी क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आने वाले
वाले हैं। बच्चों आप लोग जान लेते हैं कि आप जो है पहले क्या होता था कि 15% जो है प्रश्न जो है एक अंक के होते थे, लेकिन अब उसको दोगुना कर दिया गया है। जहाँ पर 15% क्वेश्चन अब एक नंबर के होते थे, वहाँ पर जो है अब 30% प्रश्न जो है एक अंक वाले होंगे। मौजूदा वक्त में जो है मैट्रिक व इंटर की बोर्ड की परीक्षा में जो है विभिन्न विषयों के अधिकतम जो है 15% प्रश्न एक अंक के पूछे जाते थे, अब उसमें जो है बढ़ोतरी किया गया है। इनमें कुछ विषयों में एक अंक वालों की प्रश्नों की संख्या जो है काफ़ी कम होती थी और कुछ विषय में बहुकल्पिक प्रश्नों की संख्या अधिकतम जो है 5 तक ही होती थी। अब जो है सभी विषयों में एक निर्णय लिया गया है कि एक संख्या बढ़ाई गई है, यानी कि 15 जहां पे फीसदी सवाल आते थे एक अंक के, वहां पर 30% अब सवाल पूछे जाएंगे। जहां पर 5 क्वेश्चन पूछा जाता था, वहां पर 10 या 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, दिसंबर के अंत तक जो है प्रश्न पत्र जो है जारी कर दिया जाएगा। काफी दिक्कतें हो रही है, अभी न्यू रिड्यूस जो सिलेबस किया गया उनके अनुसार अभी बनाया जा रहा है, काफी काम करना पड़ रहा है, काफी वर्क करना रहा है, काफी लेट तक जो है हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, जल्द ही आप लोगों का जो है मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, और आप अच्छी तरह से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट की जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।